हेलो आया ना दोस्तों, मैं आपको भाई रतन। दोस्तों देख सकते हैं, ये लोग ब्लूटूथ किट का वायरिंग करेंगे। ये वाला है ना, तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्लूटूथ किट का है। जो हमारा जो लंबा वाला रहता है ना, मैं दिखा देता हूँ ये वाला। तो इसमें सब कनेक्शन रहता है, बटन का भी रहता है, आपका USB का रहता है, ऑक्स का भी रहता है। लेकिन इसमें कुछ भी का कनेक्शन नहीं दिया हुआ, आप देख सकते हैं। इसमें आप लोग कीपैड का भी कनेक्शन करना पड़ेगा, IR का भी करना पड़ेगा, मतलब रिमोट काम करने के लिए IR भी, आपका जो पेन ड्राइव है उसका भी कनेक्शन, और ऑक्स का भी सब चीज़ दिया हुआ है। तो वीडियो देखते रहिए, मैं हर चीज़ एक एक तो डिटेल में बता दूंगा, वॉल्यूम भी लगा के बता दूंगा। बाद में मत बोलना कि वॉल्यूम नहीं लगाया बोल के। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना, नहीं तो डिसलाइक कर जाना, तभी समझ आएगा वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा किट है। देखिए दोस्तों, सब चीज़ लिखाया हुआ है, 3.3 वोल्ट और IR और ग्राउंड। तो ये तीनों कनेक्शन आपका इसका है, IR मतलब ये नहीं लगेगा तो रिमोट काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद एक ग्राउंड, इसके बाद की है, की है ये आपका जो बटन नहीं लगा रहता है इसके, ये बटन, ये मोड वोड का बटन, जब वही एक वायर डायरेक्ट ग्राउंड में टच करेंगे, जब बटन लगाएंगे तब, बटन का काम नहीं है जब रिमोट लगा रहे हैं। रिमोट लगाना होगा तो जैसे की यू लिखा है, जैसे वॉल्यूम मोड सेंस ये है ना सब मोड, तो उस इसी वायर को लेके एक एक ठो ग्राउंड में टच करेंगे तो कनेक्शन हो जाएगा। उसका जरूरत नहीं है, लगेगा तो कमेंट में बताना, मैं बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, इतना सारा लिखा है कि मोड वोड तो उतना है। फिर इसके बाद DACR लिखा होगा, आप देख रहे होंगे DACR और AAGN और क्या है यार, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, DACL। तो वो क्या है, लास्ट लास्ट का देखना, आगे मत देखना। L L मतलब L हो गया आउट है ना ये, और D मतलब ग्राउंड हो गया, R मतलब R हो गया, LR ग्राउंड है यहाँ पास एक किनारे में यहाँ पास। ओके, तो ये कैसे कनेक्शन है मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसके बाद ये चीज़ को देख लेना आप लोग, थोड़ा देख लें। यहाँ पास देखिए USB लिखा है ना, और ये D+D- ग्राउंड, ये आपका USB में जाएगा। और यहाँ पास लिखा है, आप देख सकते हैं ऑक्स है, ऑक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, ऑक्स डायरेक्टली जो हमारा ये पिन रहता है ना, ग्राउंड ग्राउंड ये हो जाएगा, और R और L है डायरेक्टली हो जाएगा। जब मोबाइल जैक लगाना है तभी मोबाइल जैक का रहेगा। अब कनेक्शन की बात हम देख ले, सो ये मेरा IR। ओके, तो IR में कैसे कनेक्शन करना है, जो बोर्ड में लिखाया है उसके हिसाब से। तो इसमें 3.3 वोल्ट यहाँ जाएगा ये वाला शुरू में, उसके बाद ग्राउंड का ग्राउंड जाएगा यहाँ पास, और IR लिखा है ये IR जाएगा डायरेक्टली, कनेक्शन यहाँ से यहाँ कर लेंगे। ओके, वायर इधर उधर गया लेकिन मैं बता दे वैसे कनेक्शन होगा। उसके बाद क्या हुआ, LR। तो LR का क्या करेंगे, मैं ये वॉल्यूम ले आया, ये वॉल्यूम हो गया। ओके, वॉल्यूम में इस तरफ या इस तरफ दोनों को शॉर्ट करके ग्राउंड बना दे। ग्राउंड में फिर आवाज़ कम करने पे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा करने में कम हो रहा है, तो क्या करना है, एक ग्राउंड को उठा के इस ग्राउंड में डाल देना। आपको पता है मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। ओके, इतना हो गया, तो इसको ग्राउंड बना देंगे। तो इस पार दोनों बच्चा, ये डबल चैनल का, इस पार वही RL यहाँ का, जो यहाँ दिखा था ना मैं DACL, इसी को यहाँ पास देख लीजिए, यहाँ पास DACL लिखा है, यहाँ पास DACR लिखा है। तो R लास्ट सूट लास्ट लग देखिए RL, तो RL को इस पार में जोड़ लेना और एक इस पार में जोड़ लेना है। ओके, एक पार तो दोनों ग्राउंड हो गया, और इस पार और दो बीच वाला बचा, जो भी बीच बचा, जो अपना ऑडियो का सर्किट रहेगा कोई सा भी 44 40 62 83, वो बीच में आ जाएगा उसका RL, और ग्राउंड जानते हैं कॉमन रहता है, ग्राउंड ग्राउंड में लग जाएगा। ओके, आपका दोनों कनेक्शन हो गया। जेक दिया हुआ, मैं जेक में कनेक्शन कर चुका हूँ, डायरेक्ट जेक लगाऊंगा। ओके, आप लोगों को इतना हो गया। और एक चीज़ मेन चीज़ बताना था मेरे को, अभी सब बॉक्स में सब चीज़ दिया रहेगा, रिमोट, ये देखिए रिमोट दिया रहेगा, IR दिया रहेगा, और दो तीन जेक दिया रहेगा। तो मेन चीज़ आप लोग इसमें का, इस पार है प्लस, किस पार प्लस है आपको पता करना है, प्लस सबसे मेन है, प्लस पता रहेगा आप लोग फिर इसका कनेक्शन कर सकते हैं इजिली। तो आप लोग यहाँ चार्जर में देख सकते हैं, मेरे को पता है इस पार प्लस है, तो इस पार ऐसा करेंगे, देखिए इधर ऊपर साइड है, तो ऊपर साइड से ये प्लस है, तो प्लस क्या रहेगा, तो इसको यहाँ से मैं ले आता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर लिखाया हुआ आप लोगों को, USB लिखाया हुआ, वो USB प्लस है ये, ठीक है, प्लस लगाया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं जोड़ा हुआ हूँ, ये जुड़ेगा नहीं। उसके बाद जो तीन बचा है D-D+ ग्राउंड, वो तीनों एक एक ठो में लग जाएगा, ग्राउंड लास्ट का आपको पता है, और D-D- और D+ एक एक ठो में लगा देंगे, कनेक्शन हो जाएगा। तो मैं इसको लगा देता हूँ, USB कनेक्शन नहीं करता हूँ, फिर टोटल चीज़ का कनेक्शन कर देता हूँ, ऑक्स का भी आप लोग कर लेंगे। ओके, तो इसको मैं कनेक्शन करके चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए मैं कनेक्शन कर लिया था, तीन वायर है ये आपका डायरेक्टली यहाँ से निकला है, तो मैं जेक में लगा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कनेक्शन किया, तीन वायर यही का है, ये तीन वायर जैसे बताया था मैं वैसे इसको कनेक्शन कर लिया हूँ। उसके बाद ये देखिए तीन वायर यहाँ का है, तो ये तीन वायर को मैं निकाल लेता हूँ, आप लोग इसको देखिए गौर कीजिए, देखिए रेड और ब्लैक है, तो देखिए इसको रेड और ब्लैक, RL लास्ट लास्ट में लिखाया था, ये लास्ट लास्ट का यहाँ जोड़ दिया हूँ मैं।
ओके उसके बाद ये आपका ऑडियो किट बीच में बोला था मैं, ये देखिए आरएल ऑडियो किट और ग्राउंड, जो ग्राउंड इसका भी ग्राउंड जी था ग्राउंड और इसका भी ग्राउंड, दोनों को कॉमा रहता है, देखिए एक साथ मैं इसको जोड़ लिया था। ओके इतना हो गया, इसके बाद मैं चला के दिखा देता हूँ आप लोग। दोस्तों यूएसबी चाहे लगा सकते हैं, नहीं आपके ऊपर है, बहुत ईजी कनेक्शन है उसका भी। मेरे पास पेन ड्राइव नहीं था इसलिए मैंने कनेक्शन करके नहीं दिखाया, फिर चलाऊंगा किसमें इसलिए किया ही नहीं मैं। सेम जैसे बताया वैसी प्रोसेस आप कर लेना। तो मैं स्पीकर ले आता हूँ, इसको इसको 5 वोल्ट देना है। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ बताना था मेरे को, वो चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, वेट कीजिए। एक कनेक्टर है आप लोगों का, ये कनेक्टर लगाने से पहले देख लेना प्लस कौन सा माइनस कौन सा है, इसी कारण आपका ब्लूटूथ किट ख़राब हो सकता है। मेरे से 2-3 बार ख़राब हो चुका है, तो प्लस माइनस को ध्यान से लगाना, प्लस और माइनस कौन सा है। ओके इतना बात याद रखना, और लगाने के बाद इसको 5 वोल्ट ही चाहिए, ज़्यादा देंगे तो ख़राब हो जाएगा। 78.05 लगा लेना, मैं 5 वोल्ट बना लिया हूँ भाई आपका। इसको मैं आगे ब्लूटूथ इसको चालू कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों आवाज़ आ रहा है आपको कुछ हल्का घूंघू के टाइप का, मतलब ये हमारा चालू हो गया ऑडियो किट। इसके बाद मैं इसको चालू करता हूँ, ये तो प्लस माइनस यही लिखाया हुआ है प्लस, इसमें देखेंगे तो ओके। इसमें कनेक्ट हो गए दोस्तों, इसमें कनेक्ट करके ही रखा था मैं शुरू से ही। मैं गाना चालू कर दिया, ये एक चीज़ देखिए मैं उल्टा कनेक्शन हो गया है, तो ये देखिए अभी आप लोग बताने के लिए, ये दोनों है ना, दोनों को स्पार कर देंगे और माइनस को उठाकर पूरा स्पार कर देंगे। देखिए जैसे कम कर रहा हूँ तो आवाज़ बढ़ रहा है, देखिए कम हो रहा है आवाज़, ये देख ज़्यादा करने में बढ़ना चाहिए तो कम हो रहा है, तो ये जस्ट इसको, तो जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। ये हमारा हो गया, इसके बाद रिमोट का काम करने काम करता हूँ। अब देखते हैं रिमोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके ये हमारा आईआर है, तो आप डिस्प्ले को देखते रहिए, डिस्प्ले को ऊपर ले आता हूँ मैं, ये देखिए ये आवाज़ कम हो रहा है दोस्तों, देखिए दबा रहा हूँ मैं, आवाज़ कम हो गया, इसके बाद आवाज़ बढ़ाता हूँ इसका। देख सकते हैं अब मोड को चेंज करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए मोड दबाया FM mode. चलिए दोस्तों ये पूरा बन गया। ओके इसमें कनेक्ट भी हो गया, तो इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो मेरे को कमेंट बॉक्स बता देना, और इसमें कुछ लगाया नहीं और कुछ ज़्यादा लगाना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हो जाएगा। इतनी कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय।